हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1994 में आई एक एडवेंचर मूवी आयरन विल को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन शायद ही ऐसा कोई हो जिसे ये मूवी पसंद ना आई हो। मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत होती है साउथ डकोटा 1917 में। एक 17 साल का लड़का विल अपने डॉग स्लेट के साथ कहीं जा रहा था। उसके डॉग काफी ट्रेंड थे। विल को भी अपने डॉग्स के साथ डॉग स्लेट चलाना बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद उसे ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। अब विल अपने डॉग्स के साथ ट्रेन से रेस लगाता है। विल रेस जीतने ही वाला था, लेकिन तभी सामने से एक आर्मी ट्रक आ रहा था, जिससे बचने के चक्कर में वो गिर जाता है। उसके गिरते ही वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड वार्ड और उसकी बहन आती है। वार्ड की बहन को विल की ज्यादा ही फिक्र थी। उस ट्रक से सोल्जर निकलकर उसका हालचाल पूछता है, साथ ही उसे तैयार रहने कहता है क्योंकि कभी भी वॉर हो सकती है। विल कहता है वो हमेशा तैयार है, लेकिन उसे पता ही नहीं था वॉर किसके साथ होने वाली है। ये सुनकर वो आर्मी ऑफिसर हंसते हुए विल को अपना ख्याल रखने बोलकर चला जाता है। बाद में विल वार्ड से बात करता है क्योंकि कल दोनों ने कहीं जाने का प्लान बनाया था, लेकिन वार्ड आने से मना कर देता है क्योंकि उसके डैड ने मना किया है। वार्ड के डैड बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी उसके डैड मतलब स्टेशन मास्टर बाहर आकर विल से रूडली कहते हैं वो फिर से लेट हुआ। वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे वार्निंग देते हैं अगली बार वो लेट हुआ तो वो उसे निकाल देंगे। वहाँ से विल अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड कारपेंटर है। विल को स्टेशन मास्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके डैड कहते हैं स्टेशन मास्टर जैसे लोगों के बारे में सोचकर उन्हें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कदम कदम पर उसे वैसे लोग मिलते रहेंगे। अब उन्हें जाकर कुछ लेटर्स लेने थे। विल उनमें से एक लेटर को अपने पास रख लेता है। उसके डैड के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता। फिर विल के डैड बाहर आते हैं जहाँ वो उस लेटर को पढ़ रहा था। वो समझ गए थे विल के कॉलेज एप्लीकेशन का जवाब आया होगा, और बहुत खुशी की बात थी उसका कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। विल के डैड बहुत खुश थे, लेकिन वो कहता है उसे कॉलेज नहीं जाना। दरअसल उसके मॉम डैड चाहते थे वो कॉलेज में पढ़े, लेकिन विल को यही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, कॉलेज में पढ़ने उसे बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन उसके डैड कहते हैं वो पैसों की चिंता ना करे, वो सब संभाल लेंगे, बस वो कॉलेज जाकर अपनी जिंदगी बनाए। फिर दोनों बाप बेटे अपनी अपनी डॉग स्लेट से अपने फार्म पर जाते हैं। दोनों के पास अलग अलग डॉग थे। उनके साथ नेड नाम का आदमी भी रहता था जो उसके डैड की काम में मदद करता है। विल के डैड का फेवरेट डॉग गस था, जिसे उन्होंने बचपन से पाला था। लेकिन जब विल उसके पास जाता है, गस उसे पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि विल को अपने पास तक नहीं आने देता। विल को समझ नहीं आता गस की दिक्कत क्या है। अब रात में उसके डैड के पास कार्निवार डार्बी का पॉम्पलेट था, और JW हार्पर नाम के आदमी ने डॉग स्लेट की एक रेस अनाउंस की है। इस रेस को जीतने वाले को $10,000 का प्राइज मिलेगा। 1917 में $10,000 बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन ये रेस स्टार्ट होगी विनिपेग कनाडा से और खत्म होगी सेंट पॉल मेसेडोसा पर। ये रेस बर्फीले रास्ते पर 500 माइल्स लगभग 804 किलोमीटर की होगी। विल अपने डैड को रेस में हिस्सा लेने कहता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। नेट कहता है क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन विल के डैड को रेस में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो यहाँ मौजूद है और वो यहाँ बहुत खुश है। विल भी यही सोचता है। उसके डैड उसे फिर समझाते हैं। दरअसल कॉलेज में पढ़ना विल का सपना था। उसकी माँ भी उसे कॉलेज में जाने इंकरेज करती है। अब अगले दिन विल और उसके डैड जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, और बाद में बाप बेटे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर लकड़ियाँ लेकर घर की तरफ निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक नदी थी जहाँ विल के डैड से उनकी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और वो सीधा हड्डियाँ जमा देने वाले पानी में गिर जाते हैं। डॉग उन्हें खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ लकड़ियाँ भी थी जिनका वजन ज्यादा होने से डॉग्स भी पानी में खींचे जा रहे थे। तभी विल को उनकी आवाज आती है। वो तुरंत अपने डैड को बचाने भागता है। वो भी उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके डैड समझ गए थे अब बहुत देर हो चुकी है। वो खुद ही डॉग से बंधी रस्सी काट देते हैं। डॉग्स विल को अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं, और उसके डैड की डूबने से मौत हो जाती है। अब विल के डैड का फ्यूनरल होता है। विल के डैड एक बहुत अच्छे आदमी थे। एक रात विल डॉग्स के बाड़े में जाता है। सामने ही गस बैठा था। विल गस से बात करता है वो डैड का वेट न करे,
उसके डैड उन दोनों को छोड़कर जा चुके हैं। फिर वो गस के पास जाता है, लेकिन गस अभी भी उसे अपने पास नहीं आने देता। अब इस बात से विल को गुस्सा आ जाता है, वो गस को पीटने वाला था, लेकिन तभी वहाँ नेड आता है। नेड उसे समझाता है इसमें उसकी गलती नहीं है, ना ही गस की गलती थी, जो होना था वही हुआ। तब विल नेड के पास फूट फूट कर रोने लगता है। अब कुछ दिन बाद विल स्टेशन पर बैठ कर अपने डैड की ट्यून बजा रहा था। वही अंदर उसकी मॉम स्टेशन मास्टर से बात कर रही थी। दरअसल विल के डैड को बहुत सारे कस्टमर्स के ऑर्डर पूरे करने थे, जो अब पूरे तो नहीं हो पाएंगे, इस वजह से उन पर बहुत कर्ज हो चुका है। तब स्टेशन मास्टर की बेटी बाहर आती है और विल से बात करके उसका दुख बांटने की कोशिश करती है। अब घर में विल अपनी मॉम से कहता है वो ऑर्डर पूरे कर लेगा, जिसमें नेड भी उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि उन दोनों ने उसके डैड का काम देखा है, आखिर ये सब फर्नीचर ही तो है। लेकिन उसकी मॉम कहती है ये सिर्फ फर्नीचर नहीं है, उन सब में उसके डैड का टच था, जिस वजह से उन्हें ऑर्डर मिलते थे। दरअसल उसकी मॉम ने डॉग्स को बेचने का सोच लिया था, जिससे फिलहाल के लिए वो अपने कर्ज चुका सकते है। लेकिन ये सुनकर विल भड़क जाता है, क्योंकि वो उसके डैड के डॉग्स है, लेकिन उसकी मॉम कहती है वो उनका बेटा है, उसकी पढ़ाई के लिए ही उसके डैड ने इतने सारे ऑर्डर लिए थे। लेकिन विल गुस्से में कहता है वो कॉलेज जाएगा ही नहीं। दूसरी तरफ नेड भी विल के डैड की कब्र पर जाकर रो रहा था। रात में विल सुनता है गस भौंक रहा है, जैसे वो उसके डैड को आवाज दे रहा हो। सुबह जागने पर विल का ध्यान उस रेस के पॉम्पलेट पर जाता है। उस रेस को जीतने वाले को $10,000 का इनाम मिलेगा। अब उसे देखते ही वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसे इस रेस में हिस्सा लेना है। अगर वो रेस जीत गया तो उनके सभी कर्ज अदा हो जाएंगे, यहाँ तक कि उसके कॉलेज जाने के लिए भी पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन उसकी मॉम कहती है उसके डैड उससे ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन फिर भी वो शायद ही जीत पाते। लेकिन विल कहता है वो इस रेस को जीत सकता है, लेकिन उसकी मॉम अपने हस्बैंड को खो चुकी है, अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। वो नेट के पास जाता है। दरअसल जब से उसके डैड की मौत हुई है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने इस पॉम्पलेट को देखा उसे एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी, जैसे वो फिर से जी उठा हो। लेकिन नेड कहता है रेस 1 महीने में होने वाली है और वो अभी तैयार नहीं है। विल नेड से खुद को ट्रेन करने कहता है, लेकिन नेड के मुताबिक 1 महीना बहुत कम है। विल अपनी मॉम से कहता है अगर उसके डैड जिंदा होते तो उसके लिए ये जरूर करते। अब उनके फॉर्म को बचाने के लिए मतलब विल ये रेस अपने डैड के लिए करना चाहता है। फिलहाल उसकी मॉम बिना कुछ कहे चली जाती है। अब रात में विल की मॉम नेड के पास जाकर सिर्फ एक सवाल करती है, क्या ये हो सकता है? अब अगले ही सीन में नेड विल को बेड से जबरदस्ती उठाकर बाहर बर्फ में फेंक देता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी से शुरू हो गई है। अब उसे रात भर बाहर सर्वाइव करना है। विल बहुत चिल्लाता है कि बाहर बहुत ठंड है। उसकी मॉम भी उसे देख रही थी, लेकिन वो भी दरवाजा नहीं खोलती। विल वहाँ से डॉग्स के बाड़े में जाता है और रात भर डॉग्स के साथ ही सोता है। अब सुबह नेड आकर उससे कहता है रेस के पहले 5 दिन उसे सिर्फ 5 घंटे सोना है, और उसके बाद हर दिन 1 घंटा कम होता रहेगा, और आखिरी दिन उसे सोना नहीं है बल्कि रात भर दौड़ना है। अब विल की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे स्ट्रांग होने के साथ स्मार्ट भी बनना होगा। उसे कम सोना है और रेस ज्यादा करनी है। वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं होगा, ज्यादातर उसे दुश्मन ही मिलेंगे जो उसे चोट पहुँचाना चाहेंगे, इसीलिए उसे सिर्फ अपने डॉग्स पर ही भरोसा करना है। लेकिन अभी भी गस उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन उसे गस को रेस में ले जाना ही होगा, क्योंकि गस सभी डॉग्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही नेड उसे बताता है रात में जब सभी रुक जाएंगे तब उसे आगे बढ़ते रहना है। रात में अंधेरा होगा, कभी कभी चांद की रोशनी होगी, साथ ही रात में ठंड भी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन इससे उसे रेस के आखिरी दिन काफी मदद मिलेगी। साथ ही नेड उसे दवा बनाना सिखाता है, जिसे बीमार होने पर वो पी सकता है और चोट लगने पर उसे अपने जख्म पर लगा भी सकता है। अब देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। अब रेस करीब आ गई थी। विल जाने से पहले अपने डैड की कब्र पर जाता है। अब विल ट्रेन से रेस की जगह मतलब कनाडा जाने वाला था। स्टेशन मास्टर उसे घूर रहा था। विल की माँ कहती है $10,000 की उन्हें कोई परवाह नहीं। वो विल से वादा लेती है कि वो जिंदा वापस आएगा। विल का दोस्त वार्ड उसे गिफ्ट देता है, लेकिन ये उसने नहीं बल्कि उसकी बहन ने दिया है। वार्ड को भी पूरी उम्मीद है विल ही जीतेगा। अब ट्रेन छूटने से पहले नेड उसे एक सीटी देता है, जिस पर डॉग्स रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ विल थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो अकेला कहीं जा रहा था। नेड उसे हिम्मत रखने के साथ ही खुद पर और डॉग्स पर भरोसा रखने कहता है। अब जाने से पहले विल नेड से कहता है वो उसकी मॉम का ख्याल रखे। अब विल सबसे अलविदा लेकर निकल जाता है। उसे जाते हुए उसकी माँ देखती रहती है। अब वो 2 दिन का सफर करके कनाडा पहुँचता है। स्टेशन के सामने ही एक स्टीम इंजन था। एक आदमी विल को बताता है ये JW हार्पर का है, जो इस रेस के स्पॉन्सर भी है। अब वहाँ से विल कार्निवार में हो रहे एक फंक्शन में जाता है, जहाँ बहुत सारे बड़े लोग थे। विल ऐसी जगह पहली बार आया था, वो चारों तरफ देखता ही रह जाता है।
है। तभी वहाँ लुइस नाम का आदमी लोगों को रेस में उतर रही अपनी टीम से मिलवाता है। उसकी रेस में कनाडा से 2 लोग थे। उसके बाद एंगस नाम का आदमी सभी को अपनी टीम से मिलवाता है। उसकी टीम में आइसलैंड से 3 लोग थे। वही लुइस की टीम में एक लौता अमेरिकन था। ये सुनकर वहाँ खड़ा व्हील थोड़ा परेशान हो जाता है। साथ ही स्वीडन से बर्ग नाम का आदमी था। इस रेस में सबसे कमीना आदमी बर्ग ही है। अब वहाँ JW हार्पर आता है, वो भी लोगों को अपनी टीम से मिलवाता है। फिर हार्पर सभी को बताता है रेस कल दोपहर से शुरू होने वाली है। ये रेस लगभग 522 माइल्स लंबी होगी। वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे। साथ ही हार्पर वहाँ सभी को रेस का रूट भी दिखाता है। अब जो भी रेसर सबसे पहले सेंट पॉल पहुंचेगा वही जीतेगा। इस रेस में टाइम की कोई डेडलाइन नहीं थी, बस जो सबसे पहले फिनिश करेगा वही जीतेगा। लेकिन तभी विल उससे कहता है वो भी साउथ डकोटा से इस रेस के लिए आया है, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। उसने रेस के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, उनके पास उसका नाम भी था, लेकिन किसी को लगा नहीं था विल स्टोनमैन एक 17 साल का लड़का होगा। विल ने रजिस्ट्रेशन के साथ $50 फीस भी भरी थी। वहाँ एक जर्नलिस्ट हैरी भी था जो विल की बातें ध्यान से सुन रहा था। हार्पर पूछता है उसने रेस में रजिस्ट्रेशन क्यों किया। विल कहता है $10,000 जीतने के लिए और क्या। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। लेकिन हार्पर पूछता है उसके पास अभी कितने पैसे है। विल के पास $2 थे। हार्पर कहता है लेट रजिस्ट्रेशन की फीस $10 है, इसीलिए वो रेस नहीं कर सकता। तब विल कहता है जब वो रेस जीतेगा तब वो $10,000 में से काट ले। ये सुनकर फिर सब हंसने लगते हैं। लेकिन हैरी कहता है वो विल की फीस भरेगा। हैरी एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है। अगर अमेरिका के लोगों को पता चला एक अमेरिकन को रेस करने से रोका गया है तो हार्पर की ऑर्गेनाइजेशन को बहुत विरोध झेलना पड़ेगा। लेकिन हार्पर कहता है वो न्यूज़पेपर बेचने के लिए 17 साल के लड़के की जान खतरे में डाल रहा है। लेकिन हैरी न्यूज़पेपर में दिखाता है 17 साल के लड़के वॉर में लड़ रहे हैं और वो 17 साल के लड़के को डॉग रेस में जाने से रोक रहा है। ये सुनकर सभी रेसर विल को रेस में अलाउ करने कहते हैं। बर्ग कहता है वैसे भी वो पहले ही दिन बाहर हो जाएगा, लेकिन विल कहता है वो यहाँ मौजूद सभी से ज्यादा इस रेस में रहने वाला है, कम से कम बर्ग से ज्यादा। अब हैरी हार्पर से कहता है या तो वो विल को रेस करने दे या 20 लाख न्यूज़पेपर रीडर्स का गुस्सा झेले। तब हार्पर मान जाता है। अब विल जाकर सभी रेसर से मिलता है। सभी उससे बहुत अच्छे से मिलते हैं क्योंकि वो सब में छोटा है। फिर वहाँ गाना बजाना शुरू होता है, सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन बर्ग को ये पसंद नहीं आ रहा था। अब थोड़ी देर बाद हैरी विल से मिलता है। वो कहता है किसी से भी बात करने से पहले विल उससे बात करे। विल हैरी से ड्रिंक करने कहता है, तब पहली बार विल ड्रिंक करता है। विल पूछता है उसने उसकी मदद क्यों की, लेकिन हैरी कहता है उसने खुद की मदद की है क्योंकि उसे लगा विल के जरिए उसे कुछ खास लिखने को मिलेगा। लेकिन तभी उसे याद आता है वो अपने डॉग्स के बारे में तो भूल ही गया। वो तुरंत अपने डॉग्स के पास भागता है। डॉग्स के बारे में सभी रेसर्स अपने अपने डॉग्स को खाना खिला रहे थे। तब वहाँ बर्ग अपने डॉग के साथ आता है। उसका डॉग गस पर गुर्राता है। गस के भौंकने पर बर्ग गस को लात मारता है। अब यहाँ बर्ग और विल में थोड़ी बहस होती है। फिर बर्ग विल को डराते हुए अपना हाथ दिखाता है क्योंकि उसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी जो पिछली रेस में ठंड की वजह से हुई थी। वो विल से कहता है अगर उसे भी पारा मार जाए और उसे कुछ काटना पड़े तो उसे बुलाए। लेकिन तभी वहाँ जो आ जाता है। जो भी अमेरिकन है वो बर्ग को विल से दूर करता है और विल को बर्ग से केयरफुल रहने कहता है। बर्ग बहुत कमीना है। वही हार्पर लुइस और एंगस बात कर रहे थे। लुइस को लग रहा था विल खुद की जान ले लेगा, इसीलिए हार्पर को उसे रेस में शामिल नहीं होने देना था। लेकिन हार्पर नहीं चाहता था हैरी उनकी रेस की बदनामी करे। वैसे भी उसे लग रहा था विल पहले ही दिन रेस से बाहर हो जाएगा। अब हार्पर एंगस से $500 की बेट लगाता है कि विल एक भी दिन नहीं टिकेगा। साथ ही उन्होंने जोना नाम के रेसर पर पहले ही $5,000 की बेट लगाई थी। लेकिन एंगस $1,000 की बेट लगाता है कि विल हार्ड ब्रेकर हिल नाम की पहाड़ी क्रॉस नहीं करेगा। हार्पर मान जाता है और वो विल पर बेट लगाते हैं। अब अगले दिन रेस शुरू होती है। वहाँ हैरी भी था। उसका आर्टिकल फिलहाल 14 पेज पर छपा है। अब तक सभी रेसर्स भी वहाँ आ चुके थे। हार्पर के गन फायर करते ही रेसर्स निकलने लगते हैं। एक एक करके रेसर्स आगे बढ़ते हैं। पूरा शहर सड़कों पर था। सभी लोग उन्हें चेयर कर रहे थे। सबसे आखिर में विल निकलता है। शहर के बाहर विल अपने डॉग स्लेट से दौड़ते हुए सबसे आगे निकलने लगता है। बाद में वो बर्ग को भी पीछे कर देता है। उनके साथ ट्रेन से बाकी लोग भी रेस को फॉलो कर रहे थे। ट्रेन के अंदर से हार्पर और उसके दोस्त रेसर्स को देखते हैं क्योंकि उन्होंने रेसर्स पर बेट जो लगाई है। ये बेट तो एंगस हार जाता है। विल को देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि विल लीड कर रहा था, मतलब वो सबसे आगे है। हैरी और उसके कलीग भी विल को देखकर हैरान थे। लेकिन आगे हार्ड ब्रेकर हिल और उसके बाद डेविल रन नाम की जगह आने वाली है। वहाँ विल को बहुत परेशानी होने वाली थी। ट्रेन से लोग उसका वीडियो भी बना रहे थे। फिर ट्रेन विल से आगे निकल जाती है। विल डेविल्स रन तक पहुंच गया था, वो भी सबसे पहले। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। अब विल डॉग स्लेट को खींचते हुए पहाड़ पर चढ़ता
जाता है। अब बहुत देर खींचने के बाद वो आधे रास्ते तक पहुंच गया था, लेकिन तभी उसे डॉग्स की आवाज आती है। दरअसल उस पहाड़ पर चढ़ने का दूसरा आसान रास्ता था जहाँ से बाकी रेसर्स आ रहे थे, और विल ने अपनी जल्दबाजी की वजह से अपनी काफी ताकत और वक्त बर्बाद किया। बॉर्ग उसे चिढ़ाता हुआ जाता है। विल को खुद की बेवकूफी पर गुस्सा आता है, जो उसे हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने कहता है। अब विल भी आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पर बाकी रेसर्स रेस्ट कर रहे थे। बॉर्ग पहाड़ी की एज पर था। विल के आने पर बर्ग फिर उसे बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके बचाव में खड़ा था। तब बर्ग उनसे सबसे पहले नीचे उतरने की $50 की शर्त लगाता है। कोई इस शर्त को नहीं मानता। तब बर्ग शर्त को $100 की कर देता है। अब सब लोग पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। ढलान की वजह से उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। तभी एक आदमी की डॉग से बंधी रस्सी टूट जाती है। वो पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, लेकिन सही समय पर वो रस्सी फेंक कर बच जाता है। अब जो बॉर्ग के करीब आ गया था, बॉर्ग अपने डॉग्स को चाबुक से मार रहा था, लेकिन बॉर्ग इतना कमीना था कि जो कि स्लेट को लात से मारने लगता है, जिससे बैलेंस बिगड़ने से वो गिर जाता है और उसके डॉग उसके बिना ही स्लेट लेकर दौड़ने लगते हैं, और जो पहाड़ से लुढ़कते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है। उसके पीछे विल आ रहा था, जो उसे बिना रुके आगे बढ़ते रहने कहता है। आगे जाकर विल जो कि स्लेट से टकरा कर गिर जाता है। उसने गस को रुकने बोला था, लेकिन वो नहीं रुका। गस अभी भी उसकी बात मान नहीं रहा था। अब रात में ट्रेन अगले चेक पॉइंट पर पहुंच गई थी, लेकिन वहां अभी तक विल नहीं पहुंचा था। हैरी को रेस से बाहर हुए लोगों के बारे में पता चलता है, लेकिन विल अभी तक रेस में ही है। वही बाहर बॉर्ग अपने मिजाज के मुताबिक लोगों से बदतमीजी कर रहा था। तब वहां विल पहुंचता है। यहां फिर से बर्ग और विल में कहासुनी होती है। तब बर्ग कहता है अब वो बचकर रहे, क्योंकि अब उसे बचाने जो रेस में नहीं है। विल आराम कर रहा था। फिर वो जाग कर अपनी घड़ी देखता है और सुबह होने से पहले ही आगे बढ़ने की तैयारी करता है। तब वहां हैरी आकर उससे बात करता है। उसके मुताबिक विल जल्दी निकल रहा था, लेकिन विल कहता है मौसम खराब होने वाला है और उसे जितना हो सके आगे रहना चाहिए। तब विल अपने बैग से फ्रूट केक निकाल कर खाता है। हैरी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि विल ये रेस फ्रूट केक खाकर कर रहा था, लेकिन विल बताता है इस वजह से आग जलाकर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे टाइम भी बचता है और ज्यादा वेट लेकर चलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब अगले दिन विल आगे बढ़ता है और हैरी आर्टिकल लिखता है कि एक 17 साल का अमेरिकन लड़का अपने से बड़े आदमियों, नेचर और टाइम के खिलाफ अपनी माँ के बनाए फ्रूट केक के सहारे रेस में आगे बढ़ रहा है, और आखिर में उसका नाम लिखता है विल स्टोनमैन। अब तक रेस जारी थी और लोगों के अंदाजे से परे विल रेस में आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन उसे सामने एक जमा हुआ तालाब दिखाई देता है। तालाब देखकर उसे अपने डैड की मौत याद आती है, इसीलिए विल वहां से घूमकर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हैरी देखता है उसका आर्टिकल तो छपा है, लेकिन 90 पेज पर। उसे विल की खबर पहले पन्ने पर चाहिए थी, इसीलिए वो ट्रेन रुकवाकर फोन से अपने कलीग को विल के घर जाकर किसी भी तरह विल की पर्सनल डिटेल निकालने कहता है। वही एक दिन सभी रेसर्स आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस रात मौसम बहुत ज्यादा खराब था। विल अपने स्लेट पर आराम करने लेट जाता है और उसकी तुरंत आंख लग जाती है। अब सुबह होने पर भी विल जाग नहीं रहा था। उसके डॉग भौंकते हैं, लेकिन विल नहीं सुनता, इसीलिए गस बाकी डॉग्स के साथ वैसे ही स्लेट खींचने लगता है। वही ट्रेन अगले चेक पॉइंट पर पहुंचने वाली थी। सभी को पता चल चुका है विल रेस से मिसिंग है। हैरी के कलीग उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन वो कहता है विल का आर्टिकल वॉर की खबर से बड़ा छपा है। सभी अमेरिकन को उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अभी भी उसकी खबर 90 पेज पर छप रही है। उसका कलीग कहता है अगर विल मर गया तो। तब हैरी कहता है तो विल एक हीरो की मौत मरेगा, लेकिन उसे यकीन है विल जरूर वापस आएगा। हैरी का दोस्त उसे विल के ऊपर आर्टिकल लिखना बंद करने कहता है, लेकिन हैरी नहीं मानता। अब अगला चेक पॉइंट आता है। एक एक करके वहाँ रेसर्स पहुँच रहे थे। कुछ की हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन ग्रोवर नाम का आदमी उस चेक पॉइंट पर भी नहीं रुकता। एक दूसरा रेसर कहता भी है वो अगले चेक पॉइंट पर पहुँचने से पहले मर जाएगा, लेकिन ग्रोवर आगे बढ़ जाता है। अब वहाँ ट्रेन भी पहुँच गई थी। अब आधी रात हो चुकी थी, लेकिन विल वहाँ नहीं आया था। हैरी अभी तक विल के आने का वेट कर रहा था, और सरप्राइजिंगली विल के डॉग्स उसे खींचते हुए उस चेक पॉइंट पर ला लेते हैं। विल अभी तक सो रहा था। तब पहली बार गस उसके पास आता है और उसे चाट कर उठाने की कोशिश करता है। तब विल जागता है। इतने दिनों से कम सोने की वजह से वो आज दिन भर सोता रहा। इसका मतलब उसके डॉग्स और खासकर गस ने उसकी जान बचाई थी, वरना वो हमेशा सोता ही रह जाता। तब ट्रेन के अंदर से हैरी उसे देख लेता है और अपने साथियों के साथ तुरंत उसकी तरफ भागता है। चेक पॉइंट का स्टाफ भी उस तरफ आता है। हैरी जाकर उसकी फोटो लेता है। विल बहुत थका हुआ था। सब उसे अंदर लेकर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए आज वो आराम करता है। अब विल आराम कर रहा था, वहाँ फिर बॉर्ग आता है। वो पहले रायली से शर्त में हारे $100 मांगता है, फिर विल को अपने माँ बाप के पास घर जाने कहता है, लेकिन विल
विल उससे बात नहीं करता। अब अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही विल निकल जाता है। वो अभी भी आगे बढ़ रहा था लेकिन थोड़ी दूरी पर ही उसे ग्रोवन दिखाई देता है। विल उसके पास जाता है। वो अभी तक जिंदा था लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे अभी भी अपने डॉग्स की फिक्र थी। ग्रोवन विल को आगे बढ़ते रहने कहता है लेकिन विल नहीं मानता। वो अपने साथ ग्रोवन और उसकी स्लेट को साथ में खींचते हुए ले जाता है लेकिन उसकी सीटी वही छूट जाती है। दूसरी तरफ बाकी रेसर्स आगे बढ़ रहे थे। एक जगह बर्ग और रायली साथ आ गए थे। तब बर्ग अपने हंटर से रायली की स्लेट पलटा देता है। वो कुछ दूर अपनी स्लेट के साथ घसीटता हुआ जाता है और बर्ग उसे देखकर हंस रहा था। वही इस तरफ विल उस ट्रेन को रुकवाकर चला जाता है। ट्रेन के अंदर सभी ग्रोवन के पास थे। एंगस कहता है वो लकी है कि उसे किसी ने बचा लिया। तब ग्रोवन कहता है उसे उस अमेरिकी लड़के विल स्टोनमैन ने बचाया है। ये जानकर हार्पर और बाकी लोग बहुत हैरान थे। ट्रेन से बाहर आकर लुइस एंगस से कहता है विल ने उसके आदमी को बचाया है। यहाँ हार्पर विल से काफी इम्प्रेस था क्योंकि ग्रोवन को बचाने में विल ने अपनी काफी ताकत जाया की है। यहाँ तक कि वो ग्रोवन को बचाते बचाते खुद भी मर सकता था। लेकिन एंगस $10,000 की शर्त लगाता है कि विल कभी सेंट पॉल मतलब फिनिश लाइन तक पहुँच नहीं पाएगा। हार्पर इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पूरा यकीन हो चुका है विल ये रेस जीत सकता है। उन्हें बात करते हुए हैरी भी सुन रहा था। वही एक जगह विल आराम कर रहा था लेकिन तब उसे दिखाई देता है उसकी सीटी गायब है। फिर वो अपने डॉग्स को आगे बढ़ने बोलता है लेकिन डॉग्स उसकी बात नहीं सुनते। तब विल अपने मुंह से सीटी बजाता है और डॉग्स आगे बढ़ने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अब हर अखबार का रिपोर्टर विल की खबर छापने को बेताब था। हर जगह उसके ही चर्चे थे। तब बात करते करते हैरी विल का नाम रखता है आयरन विल स्टोन मैन। अब हर अखबार के पन्ने पर आयरन विल की खबर थी कि वो सबसे आगे चल रहा है। यहाँ तक कि उसने एक रेसर की जान भी बचाई है। आयरन विल स्टोन मैन अब एक हीरो बन चुका था। हैरी विल की फोटो के साथ फोटो लेता है। वही दूसरी तरफ हैरी का कलीग साउथ डकोटा मतलब विल के शहर पहुंचता है। रेलवे स्टेशन पर वो आदमी स्टेशन मास्टर से विल का एड्रेस पूछता है। स्टेशन मास्टर को लगता है वो विल की लाश लाया है लेकिन वो कहता है क्या तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते। अगले सीन में वो आदमी विल की मॉम और नेट के पास था। उसकी मॉम विल के बारे में अखबार में पढ़कर बहुत खुश होती है। अखबार में उस ट्यून का जिक्र था जिससे उसके डॉग्स कंट्रोल होते हैं। वो आदमी उस ट्यून के बारे में पूछता है। तब नेट बताता है ये उसके डैड की ट्यून थी। तब उसे पता चलता है विल के डैड की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है। वो ये खबर तुरंत फोन करके अपने ऑफिस को बताता है कि उसके डैड की मौत हो गई है और फार्म को बचाने और अपने पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने विल इस रेस में उतरा है। ये खबर हैरी को तार से मिलती है लेकिन पिछले एक हफ्ते से विल को किसी ने नहीं देखा। अब तक उसे ट्रैक तक नहीं किया गया क्योंकि वो कहीं रुका ही नहीं। दूसरी तरफ ये खबर हार्पर को मिलती है। हार्पर चाहता था वो तीनों मिलकर शर्त के $10,000 उसकी माँ को भेजे लेकिन एंगस और लुइस इसके लिए तैयार नहीं होते। लुइस उससे पूछता है आखिर उसे विल की इतनी फिक्र क्यों है और उसने विल को रेस में अलाउ ही क्यों किया। तब हार्पर कहता है जब उसने विल की आंखों में देखा तब उसे वो खुद दिखाई दिया। उसने भी जब अपनी जिंदगी शुरू की थी उसके पास कुछ नहीं था, बस एक होप थी और वही उम्मीद विल की आंखों में दिखाई देती है। फिर हम अगला चेक पॉइंट देखते हैं जहाँ कुछ रेसर्स आ गए थे। वहाँ एंगस आता है और यहाँ पता चलता है एंगस बर्ग से मिला हुआ है। वो हार्पर से लगाई बेट जीतने के लिए बर्ग को शुरुआत से ऑर्डर दे रहा है लेकिन अब सबसे ज्यादा बेट विल पर लगी है। उसके सेंट पॉल पहुँचने पर $10,000 की बेट लग चुकी है और एंगस ने उसके खिलाफ बेट लगाई है। इसीलिए एंगस बर्ग से विल को सेंट पॉल तक पहुँचने से रोकने कहता है जिससे वो बेट जीत जाए, जिसके बदले में वो बर्ग को जीती हुई रकम में से $5,000 देगा। 5,000 सुनकर बर्ग तुरंत मान जाता है। अगले दिन हम विल को देखते हैं। वो जंगल में आगे बढ़ रहा था लेकिन उसके पीछे बर्ग आ रहा था। विल को यहाँ थोड़ा अजीब लगता है। वही बर्ग चुपके से अपना एक डॉग छोड़ देता है। वो जाकर सीधा गस पर हमला कर देता है। गस विल का सबसे स्ट्रॉन्ग डॉग है। विल उसे बचाने भागता है और बर्ग दूर खड़े होकर हंस रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं गस बुरी तरह जख्मी हो चुका है। विल ने उसे स्लेट पर रखा है। उसे अपने बैग में एक गन मिलती है जो नेड ने रखी होगी लेकिन विल गस को मार नहीं पाता। विल एक जगह आग जलाकर वो दवाई बनाता है जो नेड ने उसे बनाना सिखाई थी और वो उस दवाई से गस का इलाज करता है। फिर रात में वहाँ से अगले चेक पॉइंट पर जाता है जहाँ एक इन में बाकी रेसर के साथ बर्ग भी था। विल जाकर बर्ग को मारने लगता है क्योंकि उसने गस को मारने की कोशिश की थी लेकिन बर्ग उसे चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है। तब विल अपनी गन निकालता है। गन देखकर बर्ग की फट जाती है लेकिन वहाँ हार्पर भी था। वो विल को भरोसा दिलाता है बर्ग ने जो भी गलत किया है वो उसे जरूर देखेंगे। विल बर्ग से कहता है अगर अगली बार वो उसके या उसके डॉग्स के करीब आया तो वो उसे मार देगा और अगर उसमें हिम्मत है तो अगली बार उसके पास आकर दिखाए। विल के
के जाने पर बर्ग उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। वहाँ हैरी भी था, लेकिन उसके बोलते ही विल उसे पंच मार देता है, क्योंकि उसने अपने न्यूज़पेपर बेचने के लिए विल और उसकी फैमिली का इस्तेमाल किया। विल के जाने पर हार्पर हैरी से पूछता है उसकी अगली हेडलाइन क्या होगी। विल गस का ख्याल रख रहा था, अब गस भी उसका दोस्त बन गया था। तभी वहाँ एंगस आता है। एंगस वहाँ आकर विल की तारीफ करने लगता है, लेकिन विल पूछता है वो यहाँ क्यों आया है, क्योंकि वो यंग है लेकिन डम्ब नहीं। एंगस विल को रेस छोड़ने के लिए $3,000 ऑफर करता है, क्योंकि वो इस रेस में अपनी जान गवा देगा। उस समय $3,000 भी बहुत बड़ी रकम थी। विल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है क्या भरोसा है कि वो अपना वादा निभाएगा। तब एंगस कहता है अगर वो रेस क्विट कर देता है तो $3,000 वो अपने हाथों से उसे देगा। अब उसे समझ नहीं आता आगे क्या करे, क्योंकि गस भी जख्मी है, वो भी बहुत थक चुका है, मतलब उनके जीतने के चांस बहुत कम है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विल आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। तब हैरी आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विल उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। सुबह होने पर विल एक शहर के पास पहुंचता है। शहर के बाहर ही उसे कुछ आवाज आती है। विल गस को भी अपने साथ कैरी कर रहा था। जब वो टाउन में जाता है, वहाँ के पूरे लोग उसके इंतजार में थे। सब लोग उसे चेयर कर रहे थे। कई लोग आकर उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे। पहले तो उसे समझ नहीं आता वो लोग उसी के लिए आए हैं। तब उसे पता चलता है अब लोग उसे आयरन विल द अमेरिकन हीरो के नाम से जानने लगे हैं। तब पहली बार विल खुद को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेपर पर देखता है। तब लोग उसे चेयर करते हैं और विल आगे बढ़ जाता है। अब उसे समझ में आ गया था लोगों की उम्मीदें उस पर लगी है, इसीलिए अब वो एंगस के पैसे नहीं लेगा बल्कि ये रेस पूरी करेगा। तब वहाँ के दो लोकल लड़के आकर विल को बताते हैं उन्हें एक शॉर्टकट पता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक जमी हुई नदी पार करनी थी, जिससे विल डरता है। इसीलिए वो उन लड़कों से दूसरा रास्ता पूछता है। आगे एक रेलवे पुल है जिसे वो पार कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन विल पुल से ही जाता है। अब वो दोनों बच्चों के साथ पुल पार कर रहा था, लेकिन आधा पुल पार करते ही वहाँ ट्रेन आ रही थी। अब वो लोग जल्दी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही एंगस की रस्सी पटरी में फंस जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों बच्चे पुल पार कर लेते हैं, लेकिन उनसे डॉग स्लेट संभलती नहीं और वो स्लेट के साथ ढलान से नीचे गिर जाते हैं। अब ट्रेन बहुत करीब आ चुकी थी। विल किसी तरह एंगस की रस्सी निकाल लेता है और दोनों बस 10 सेकंड से बचते हैं। उन बच्चों को भी कोई चोट नहीं आई थी। अब शाम को विल एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां बाकी रेसर हार्पर हैरी और बाकी लोग भी थे। हैरी उसके पास आता है। दरअसल उसे ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार चाहिए, क्योंकि उसकी स्लेट टूट गई है। हैरी जाकर उसे संभालता है। अब विल एक ब्लैक स्मिथ के घर में था। वो लोग उसकी स्लेट ठीक करने के साथ उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन तभी वहाँ एंगस आता है। उसे विल के साथ अकेले में बात करनी थी। अब एंगस रेस छोड़ने के लिए विल को $5,000 ऑफर करता है, लेकिन अब विल को उसके पैसे नहीं चाहिए। अब उसे इस रेस को खत्म करना है। तब एंगस विल को धमकाने लगता है, लेकिन वहाँ हैरी भी था। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। हैरी एंगस को धमकी देता है अगली बार वो विल के आसपास भी आया तो वो न्यूज़पेपर में उसकी धज्जियां उड़ा देगा। फिर हैरी उसे बाहर निकाल देता है। फिर विल हैरी से कहता है वो उसे 3 घंटों में जगा दे। अब सच में हैरी को विल की फिक्र हो रही थी, लेकिन विल नहीं मानता। फिर विल हैरी को सॉरी और थैंक यू बोलता है, क्योंकि पेपर में उसके बारे में लिखना कुछ गलत भी नहीं था। दूसरी तरफ बॉर्ग को एक आदमी आकर कोई खबर देता है। वहाँ बाकी रेसर भी थे। तब बॉर्ग बताता है विल सो रहा है। अब कल रेस का आखिरी दिन है, क्योंकि अगला चेक पॉइंट फिनिश लाइन है। अब 3 घंटों बाद हैरी विल को जगा देता है, लेकिन विल अपने हाथ पर मूव नहीं कर पा रहा था। हैरी डॉक्टर को बुलाने कहता है, लेकिन विल को बस हैरी का थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि अब ये रेस सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर अमेरिकन की बन चुकी है। अब तैयार होने के बाद विल गस से कहता है वो उसे यही छोड़ रहा है, क्योंकि उसे आराम करने की जरूरत है। लेकिन गस नहीं मानता। उसे देखकर विल समझ जाता है गस क्या चाहता है। दोनों ने रेस एक साथ शुरू की थी और खत्म भी एक साथ करेंगे। अब विल सुबह सुबह निकल जाता है। विल ने हैरी की सोच पर भी बहुत असर डाला था। दूसरी तरफ एंगस को कोई बताता है विल निकल चुका है। एंगस बाहर आकर चिल्लाने लगता है विल निकल चुका है। उसे सुनकर सभी रेसर जाग कर तैयार होने लगते हैं। एंगस चिल्लाकर कहता है जो भी विल को रोकेगा वो उसे $1,000 का इनाम देगा। उसे हार्पर ने भी सुन लिया था। अब कुछ ही देर बाद बाकी रेसर भी निकल जाते हैं। उसमें एंगस की भी टीम थी। अब बाकी रेसर भी अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे, जिस वजह से एक रेसर पेड़ से टकराकर गिर जाता है और उसके डॉग आगे भाग जाते हैं। लेकिन विल आगे बढ़ रहा था, क्योंकि सबसे पहले निकलने की वजह से उस तक कोई पहुंच नहीं पाता। अब सुबह होती है और हैरी पहली बार अपने दिमाग की जगह दिल से आर्टिकल लिखता है, जिससे उसका कलीग काफी हैरान था। दरअसल कल रात जब विल ने कहा अब ये रेस सिर्फ उस अकेले की नहीं बल्कि लाखों अमेरिकन की है, तब उसे समझ में आया मीडिया का क्या मतलब होता है।
क्योंकि उसके लिखे आर्टिकल भी लाखों लोग पढ़ते हैं और उसे कितनी जिम्मेदारी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। वही दूसरी तरफ विल अभी भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा थक चुका है। उसके पीछे बाकी रेसर भी आ जाते हैं और एक एक करके उससे आगे निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ फिनिश लाइन पर बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे, जिसमें सबसे ज्यादा लोग विल के ही सपोर्ट में आए थे। वहाँ विल की मॉम और नेड भी पहुँचते हैं। हैरी जाकर उनसे मिलता है। ये उसके लिए सम्मान की बात थी कि वो आयरन विल की माँ से मिल रहा था। वहाँ वार्ड और उसकी बहन भी आई थी। अभी किसी को नहीं पता विल कहाँ है, लेकिन हैरी कहता है जितना वो विल को जानता है वो बिल्कुल ठीक होगा। वही दूसरी तरफ विल के पास बर्ग पहुँचता है। वो कहता है उसके जीतने का एक चांस और है, क्योंकि उसे एक शॉर्टकट पता है जिससे वो बाकी रेसर से पहले फिनिश लाइन तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब अब ये रेस उसके और विल के बीच में है। अब विल बर्ग के पीछे जाता है, लेकिन वो रास्ता नदी के पास था, जिससे विल को डर लगता है क्योंकि उसके डैड की मौत भी ऐसी ही जगह हुई थी। लेकिन बर्ग अपने डॉग्स को चाबुक मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वो गस के पास जाता है, तब उसे नेट की बात याद आती है कि वो अपने डर का सामना करे तब ही ऊपर वाला उसे रास्ता दिखाएगा। तब गस उठकर सभी डॉग्स के सामने चला जाता है, मतलब वो लीड करेगा। विल को नेट की एक और बात याद आती है कि वो खुद पर और डॉग्स पर भरोसा करे। अब विल आगे बढ़ने तैयार था, फिर नदी के किनारे से आगे बढ़ता है। वो रास्ता काफी खतरनाक था, लेकिन विल आगे बढ़ रहा था। वही बर्ग भी अपने डॉग्स को चाबुक मारते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक जगह आकर उसके डॉग रुक जाते हैं। उसे समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या। वो उतर कर डॉग्स को और मारने लगता है, लेकिन डॉग्स को इतना ज्यादा मारने से सभी डॉग्स मिलकर उस पर ही हमला कर देते हैं। बाजू से ही विल जा रहा था, ये देखकर वो अपनी गन निकालकर हवा में फायर करता है, जिससे बर्ग के डॉग उसे छोड़कर खाली स्लेट लेकर भाग जाते हैं। इसका मतलब बर्ग रेस से बाहर हो गया। दूसरी तरफ विल नदी किनारे से आगे बढ़ रहा था। वही दूसरी तरफ बाकी बचे रेसर काफी आगे निकल गए थे। फिनिश लाइन पर दूरबीन से लोग रेसर्स को आते हुए देखते हैं और उसका नाम आगे पास करते हैं। तब फिनिश लाइन के पास एक आदमी सबसे सामने के रेसर का नाम लिखकर बताता है। वो रेसर हार्पर की टीम का था, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं सबसे सामने विल है, क्योंकि वो जंगल के रास्ते से आ रहा है और बाकी रेसर से आधा किलोमीटर आगे है। वो लोग उसका नाम आगे पास करते हैं। वो लिखते हैं आयरन विल। ये देखकर एंगस को यकीन ही नहीं होता, लेकिन हार्पर उसे अपनी चेकबुक रेडी रखने कहता है, क्योंकि उसके फिनिश लाइन तक पहुंचने पर भी उन्होंने $10,000 की शर्त लगाई थी। साथ ही उसकी माँ को भी पता चलता है आयरन विल का मतलब विल ही है। उसका नाम देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं। तभी विल लोगों के सामने आता है। उसे देखकर लोग और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन नेट देखता है अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, जिस वजह से फिनिश लाइन के कुछ दूर पहले ही विल स्लेट से गिर जाता है। ये देखकर सब लोग एकदम शॉक रह गए थे। वहाँ मौजूद बच्चे विल को उठने बोल रहे थे। तब नेट उसके डैड की ट्विन विसल करता है, जिसे गस समझ जाता है। वो बाकी डॉग्स को आगे खींचने की कोशिश करता है। नेड के बाद हैरी और उसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग वही सीटी बजाने लगते हैं। साथ ही गस भी रस्सी खींच रहा था। तब विल अपनी बची कुची हिम्मत और ताकत जुटाकर अपनी स्लेट को सीधा करता है, लेकिन अब तक बाकी रेसर भी वहाँ तक पहुँच गए थे। वहाँ मौजूद सभी लोग विल को ही चेयर कर रहे थे, लेकिन एक रेसर वहाँ तक आ गया था। अब यहाँ बहुत कांटे की टक्कर होती है और वो विल से थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन विल भी हार नहीं मानता और उसके डॉग्स भी पूरी ताकत से दौड़ते हैं और वो उस रेसर के बराबरी में आता है, लेकिन फिनिश लाइन को बस कुछ अंतर से विल ही पार करता है। और इस तरह 17 साल का विल और उसके डॉग इस रेस को जीत जाते हैं। सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। विल की मॉम आकर उसे गले लगा लेती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। इस मूवी से बस मुझे एक ही शिकायत है कि रेस खत्म होते ही मूवी भी खत्म कर दी गई। आगे भी हमें कुछ दिखाना चाहिए था कि रेस जीतने के बाद विल की जिंदगी में क्या बदलाव आए, लेकिन इसके लिए अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।